गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीएक्सएन कॉफी के साथ चर्चा इस प्रोग्राम में। दोस्तों, इस प्रोग्राम का मकसद है डिस्कशन और सॉल्यूशन। डिस्कशन किस बारे में हम करेंगे? हम डिस्कशन करेंगे उन विचारों के बारे में जो कुछ लोगों के मन में, आपके मन में, मेरे मन में आते हैं, लेकिन हम किसी कारणवश, झिझक के कारण या शर्म के कारण, या लोग सोचते हैं कि ये लोग क्या कहेंगे अगर मैं ये पूछूंगा, इसको तो ये भी नहीं पता, हम पूछ नहीं पाते, और वो विचार हमारे अंदर ही दफन होके रह जाते हैं। तो ये प्रोग्राम माध्यम है आपके उन विचारों को प्रश्नों के रूप में हम पूछेंगे अपने अतिथि से, और हमारे जो गेस्ट हैं वो जवाब देंगे आपके उन विचारों के रूप में जो सवाल हमने पूछे उसके बारे में। दोस्तों, इस प्रोग्राम का मकसद ये भी है, जो लोग नए हैं और डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो एक अल्टरनेटिव कैरियर का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं अपने प्रेजेंट काम को छोड़े बिना, या कुछ लोग चाहते हैं कि वो एक नया काम शुरू करना चाहते हैं जिससे कि उनकी जिंदगी में आने वाली जो समस्याएं हैं, जो फाइनेंशियल उनके प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी समस्याएं दूर हो सके। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नए नए अभी जुड़े हैं और उन्हें नहीं पता है कि इस काम को कैसे किया जाए। ये कई तरीके के सवाल उनके मन के अंदर आते हैं और इन सवालों का जवाब हम जानने का प्रयास करेंगे अपने गेस्ट के माध्यम से। दोस्तों, आज जो हमारे बीच में गेस्ट हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो अपनी फील्ड में बहुत ही ईमानदारी से अपने आप को उन्होंने स्थापित किया है और बहुत ही ऊंचे मुकाम पे काम करते हुए पहुंचे हैं। जो हमारे आज के गेस्ट हैं वो मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, पाकिस्तान, ब्रुनेई, थाईलैंड, ये पूरा का पूरा इंटरनेशनल मार्केट वो देख रहे हैं। और ये और कोई नहीं, हमारे आज के जो अतिथि हैं, मैं उनका जो परिचय आपको देना चाहता था ये छोटा सा है। उन्होंने खुद मुझसे कहा कि विजय, मेरे बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस केवल काम करना चाहता हूं और लोगों की मदद करना चाहता हूं, लोगों को जिंदगी में कामयाब बनाना चाहता हूं। बिल्कुल डाउन टू अर्थ है दोस्तों, जितने जिस लेवल पे वो हैं उस लेवल पे उनके पास समय ही नहीं होता खुद के लिए, खुद की फैमिली के लिए। आज उन्होंने वक्त दिया हमारे इस शो के लिए, तो मैं तहे दिल से अपने YouTube व्यूअर्स, अपने Facebook व्यूअर्स और दर्शकों को धन्यवाद करना चाहता हूं दर्शकों की तरफ से। आज के हमारे गेस्ट, हमारे प्रिय प्यारे चहेते इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर मिस्टर आशीष जसानी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज इस डीएक्सएन कॉफी के साथ एक चर्चा प्रोग्राम में। हाय, नमस्ते विजय जी, गुड मॉर्निंग डीएक्सएन। सर, मलेशिया में नया ईयर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, मुझे लगता है पूरी दुनिया में भी ये पैंडेमिक चल रहा है तो आपको मालूम होगा कि किस तरह से सिचुएशन होगी, राइट? बिल्कुल सर, पैंडेमिक चल रहा है, ऐसा नहीं कह सकते सर, बीमारियां नहीं थी पहले भी, पहले भी बीमारियां थी और आती थी जाती थी। हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते थे 1920 में एक पर्टिकुलर बीमारी आई, उसने बहुत तहलका मचाया, लेकिन उससे भी खतरनाक बीमारी अभी जो आई ये अपना कोविड, तो ये बीमारी पहले भी थी लेकिन इसका एक विकराल रूप देखने को हमारे को मानव जाति को मिला। इसके अंदर खान पान में सुधार की भी लोगों ने बहुत गुंजाइश की, जो काम डीएक्सएन पिछले 27 सालों से लगातार करती आ रही है, और हमारे डीएक्सएन के डिस्ट्रीब्यूटर कहते आ रहे हैं कि अच्छा खाओ, अपनी शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाओ और बॉडी अपने आप ही डिजीज से लड़ेगी। और इसके अंदर बहुत हद तक हमारे डीएक्सएन के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो कामयाब भी हुए, और इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे फाउंडर सीईओ डॉक्टर लिम सियोजिन जी को, जिन्होंने एक बेहतरीन प्रोडक्ट हम सबके माध्यम हम सबको पहुंचाया, एक आम आदमी की पहुंच तक पहुंचाया, वरना तो कहां हम सोच सकते थे कि हम इतना महंगा प्रोडक्ट जो इंटरनेशनल मार्केट में है इतने वाजिब दामों में और अच्छी गुणवत्ता के साथ हमें मिल रहा है। तो आशीष सर, जनरली आदमी को लोग जज करते हैं उनके पहनावे से, उनकी बोलचाल से, वो कैसे घर में रहता है, क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, देखने में कैसा है, ये सब चीजें होती हैं और इसी से आदमी जज करता है आदमी की पर्सनैलिटी को।
और इसके कारण कभी कभी धोखा भी हो जाता है और कभी कभी वो सही भी साबित होता है। तो मेरा जो आपसे प्रश्न है सर ये है कि क्या आप ऐसा मानते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन होता है, तथा नेटवर्क मार्केटिंग में इसका क्या महत्व है, ड्रेस कोड का क्या महत्व है, इसके बारे में सर आप अपने विचार हमारे दर्शकों को बताएं। या विजय जी, दरअसल बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। सी, ड्रेस कोड तो वेरी इंपॉर्टेंट होती है। जिस तरीके से हम बचपन में बच्चे थे, हम स्कूल में जाते थे तो उसका भी एक ड्रेस कोड होता था, ताकि लोग हमें पहचान गए कि ये बच्चे लोग हैं, स्कूल से अभी आ रहे हैं। और जिस तरह से हम लोग यूनिवर्सिटीज में जाते थे वगैरह, तो उसकी अपनी एक ड्रेस कोड होती है यूनिवर्सिटी के, तो उसके जरिए से हमें पहचान जाता है। सो सेम थिंग ऑल्सो नेटवर्क मार्केटिंग में, जिस तरह से अभी हम सब लोग जुड़े हुए हैं डीएक्सएन कंपनी में, तो हमारा भी एक ड्रेस कोड होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें सूट बूट कोट टाई में पहन कर जाना है, नहीं, बट एटलीस्ट एक अच्छा और प्रॉपर ड्रेस कोड, जिस तरह से हम लोगों के सामने पेश लाते हैं, तो वही हमारी पर्सनैलिटी बोलती है, वही हमारा स्टेटस बोलता है। सो ड्रेस कोड इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन नेटवर्क मार्केटिंग। जिस तरीके से अभी आप ये सोचिए कि एक बंदा आ रहा है, एक आदमी आ रहा है, और उसने एक प्रॉपर ड्रेस कोड नहीं पहना, लुंगी बनियान में बस ऐसे पहनकर वो आ रहा है और बस बता रहे हैं, तो लोगों का माइंड क्या होगा कि भाई नो, आई डोंट थिंक सो। उसके ऊपर कोई वजन नहीं है बोलने का, मालूम नहीं है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है उसके ऊपर। सो ड्रेस कोड इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू मी। विजय जी, सर ये तो होगी ड्रेस कोड की बात। समटाइम ये भी होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर जाते हैं, अप्रोच करते हैं, तो उसके अंदर उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी वो फंबल कर जाते हैं बातचीत में, कभी वो घबरा जाते हैं बातचीत में। तो ये भी आई थिंक सर फर्स्ट इंप्रेशन से लास्ट इंप्रेशन होता है। सामने वाला व्यक्ति कहता है इसको इस कंपनी के बारे में पता नहीं है, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो जनरली क्या करना चाहिए? सी विजय जी, इसमें दो चीजें हो सकती है। एक तो अपीयरेंस वाली बात हो गई, नंबर दो जिस तरीके से हम शुरू करेंगे, गुड मॉर्निंग डीएक्सएन से या ग्रीटिंग से शुरू करते हैं, अपना थोड़ा परिचय कराइए, तो इस तरह से लोग क्या देखते हैं कि नहीं, इसके पास थोड़ा पर्सनैलिटी है, उसको तरीका मालूम है किस तरह से बात करना। एंड जिस तरीके से हम लोगों को समझाते हैं बिजनेस की कंसेप्ट हो या प्रोडक्ट के बारे में या अपने बारे में, आप अभी क्या कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने माइंड में सेट कर लो कि मुझे किस तरह से लोगों को हमारी ये बात करनी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि मेंटल प्रिपेरेशन होनी चाहिए। सो जिस तरह से हमारी मेंटल प्रिपेरेशन होगी, उसी तरह से हमारा कॉन्फिडेंस होगा लोगों को बात करने में। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और अक्सर क्या होता है कि सिचुएशन ऐसी भी होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड द पीपल। जिस तरह से माना कि एक गरीब आदमी है, सही कि नहीं, तो हमें वो हाई फाई के लैंग्वेज हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो वी नीड टू बी एटलीस्ट इन द पार, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इसमें क्या होगा ना, ही विल ओपन अप, वो आपको एक्सेप्ट भी करेगा और तैयार भी हो जाएगा आगे जाने के लिए। सो वी, यानी कि हमें इस तरह से तैयारी करनी है, हम किस किस इंसान के साथ बात कर रहे हैं। जो कोई हाई फाई लेवल वाला बंदा होगा तो हमारी कमांड ऑफ लैंग्वेज जो होती है, जिस तरह से हमें पेश लाना है, सो दैट शुड बी अप टू द मार्क, बिकॉज ये लोग इस नजर से देखते हैं। सो इट इज डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअली एक्चुअली। विजय जी, That's great, sir. That's great. और आपने बातों बातों में एक बात मुझे याद दिला दी कि adaptogen, यानी अनुकूलक, यानी कि गैनोडर्मा की एक विशेष खासियत है adaptogen की, कि जैसी जैसा देश वैसा वेश, यानी जैसे जैसे आप प्रोस्पेक्ट से मिलने जा रहे हो उसी के स्टैंडर्ड से आपको उसकी तैयारी करके जानी है। अगर वो टीचर है तो टीचर के स्टैंडर्ड से आपको तैयारी करने जानी है, क्योंकि डेफिनेटली वो कमांडिंग पोजीशन में होगा, हर चीज पे आपसे आर्ग्यू करेगा, तो ज्यादा आर्ग्यू नहीं करना है। तो बहुत सारी चीजें हैं, यानी हमें थोड़ी सी स्टडी करनी चाहिए प्रोस्पेक्ट के बारे में, देन हमें प्रोस्पेक्टिंग को स्टार्ट करना चाहिए जिससे कि हमें कामयाबी मिले। दैट इज ऑल्सो कमिंग टू द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बहुत खूब आशीष सर, तो आपने बहुत ही सिंपल और साधारण शब्दों में हमारे दर्शकों को इसके बारे में जानकारी दी। जो नए लोग देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ उनको ये समझ में आ गया होगा उन्हें क्या करना है। सर अभी जो पैंडेमिक जो चल रहा था COVID-19 के दौरान, इस दौरान में बहुत सी ये उतार चढ़ाव हुआ है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो गई, लोगों ने एम्प्लॉय की छटनी कर दी, बहुत सी कंपनियों ने 30% सैलरी भी डाउन कर दी, तो बहुत सारे डाउनफॉल देखने को मिले। जो बहुत सारे जो उद्योग धंधे थे जिन्हें सोचते थे कभी बंद नहीं हो सकता, एयरलाइंस हो गया, होटल्स हो गए,
ट्रेन्स हो गई, ये कभी बंद नहीं हो सकते थे, ये सब बंद हो गए। और जैसे कि यहां तक वेडिंग तक बंद हो गई, तो जो कभी सोच नहीं सकते थे ये सब चीजें हुई। और इससे क्या हुआ कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया लोगों की अर्निंग्स में, लाइवलीहुड में। जो मेरा प्रश्न सर अगला है आपसे वो इसी के ऊपर ही है सर। एज यू आर द आईएमडी इन डीएक्सएम मलेशिया, सो काइंडली शेयर द ऑब्जर्वेशन विच यू हैव सीन इन द डीएक्सएम मार्केट एंड लीडर्स बिफोर एंड आफ्टर कोविड विच हेल्प देम टू ग्रो देयर बिजनेस। विजय जी, मैं किस तरह से आपको बात बताऊं अबाउट मलेशिया। लास्ट ईयर 18 तारीख मार्च को दरअसल यहां गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था एमसीओ की, यानी कि कंप्लीट लॉकडाउन। और उस वक्त में ऐसे बहुत सारे लोग थे और कंपनियां भी थी, इन लोगों को मालूम बिल्कुल नहीं था कि किस तरीके से हमारा बिजनेस जो है वो हम आगे बढ़ा सकते हैं, और लोग जो काम पर जा रहे थे किस तरह से हम लोग काम पर जाएंगे, बिकॉज केसेस इतना ज्यादा बढ़ा हुआ था। राइट, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट मलेशिया, बट आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे मुल्कों का भी सेम सिचुएशन ही होगा। बट नाउ व्हाट इज इन फॉर डीएक्सएन मलेशिया के लिए, सो शुरुआत में हमें इस तरह से स्ट्राइक किया गया था, हम बिल्कुल इतना तैयार भी नहीं थे मेंटली, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, बिकॉज इसमें क्या है कि क्लियर डायरेक्शन भी नहीं था गवर्नमेंट की तरफ से हमें क्या और कैसे चलाना चाहिए। बट फिलहाल एक मैनेजमेंट होकर हमेशा यही माइंड में आता है कि हमारे स्टाफ जो है ऑफिस में उन लोगों को किस तरह से हमें काम करवाना है, दूसरी तरफ से हमारे मेंबर्स है, इन लोगों के हम सेवा कैसे कर सकते हैं, इन लोगों को प्रोडक्ट कैसे पहुंचा सकते हैं, इन लोगों का बिजनेस कैसे आगे चल सकता है, और यहाँ तक रहा हमारे ब्रांचेस, हमारे ब्रांचेस को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, ऑपरेट कैसे कर सकते हैं, बिकॉज इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस भी थी, जैसे कि मूवमेंट की, हम क्रॉस बॉर्डर नहीं कर पा रहे थे, क्रॉस स्टेट भी नहीं कर पा रहे थे, वी कैनॉट डू एनीथिंग बेसिकली। तो एक अच्छी चीज ये थी कि उस वक्त में जिस तरह से हम लोग ने शुरू किया था, तो हम लोगों ने कैश डिलीवरी भी किया था, बिकॉज अप्रूवल लेना पड़ता था पुलिस थाने से कि हम लोग फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट्स दरअसल बहुत काम आता है इम्यून की डोर पे ऊपर सेहत के बारे में। तो ये अप्रूवल लेकर फिर हमारे स्टाफ लोगों को तैयार करना, प्रोडक्ट को घर पर पहुंचाना, ये एक सिंपल सी अरेंजमेंट नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि स्टाफ लोगों की जान भी खतरे में होती है, क्योंकि हमें मालूम नहीं कि जिस आदमी के साथ हम वो प्रोडक्ट देने के लिए जा रहे हैं उसके पास कोई पॉजिटिव का सिम्टम्स है या नहीं है, बाहर जाना, यहाँ वहाँ कुछ टच करना वगैरह, सो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। सेम थिंग ऑल्सो हमारे सर्विस सेंटर्स और हमारे लीडर्स लोगों को भी बहुत तकलीफें हो रही थी उस वक्त में, बिकॉज इन लोगों को बिल्कुल मालूम नहीं क्या करना है, इन लोगों के पास ऐसी अथॉरिटी भी नहीं थी ये लोग बाहर जाकर कुछ काम कर सके, अपने मेंबर्स लोगों को मिले, कुछ प्रोस्पेक्टिंग करे, कुछ सर्विसिंग करे, यहां तक प्रोडक्ट किस तरीके से पहुंचना, वी वर ऑल कंप्लीटली इन डार्क। बट एक अच्छी चीज क्या होती है कि चाहे किसी सिचुएशन में भी हम क्यों ना चले, बट एक वाइस इंसान बनकर हमेशा यही सोचना है कि हमें क्या करना है, किस तरीके से ये चलाना है। बट आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू हमारे सीईओ और फाउंडर डॉक्टर लिम सियाओ जीन, बिकॉज ही इज ऑल्सो वेरी मच कंसर्न के अभी ये पूरी तरह से मलेशिया में लॉकडाउन हो रहा है, यहाँ जिस तरह से आप सब लोग जानते हैं मलेशिया में हमारा पूरा ऑपरेशन चल रहा है, हमारी फैक्ट्रीज भी है, प्रोडक्शन भी चलती है, सामान कहीं से कहीं पूरे दुनिया को पहुंचाना पड़ता है, लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम है, सो इट्स जस्ट नॉट वन सिंपल थिंग। बट जैसे ही टाइम चलता गया तो हमें खबर मिलती रही गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड की तरफ से, तो हमारा हौसला और बढ़ता गया, और जिस तरह से हमें वो अप्रूवल भी मिला है सरकार की तरफ से कि हम लोग हमारा फैक्ट्री चला सकते हैं, हम एक फ्रंटलाइन वर्कर यानी कि एक एसेंशियल सर्विस के दौर पर माना जाता है यहाँ पर मलेशिया में, तो हमें वो अप्रूवल भी दिया गया, तो यहाँ तक हमें स्टाफ को तैयार किया कैश ऑन डिलीवरी देने के लिए, हमने जितना सारा प्रोडक्ट्स फैसिलिटीज था हमने लोगों को पहुंचाया। तो बेसिकली मार्च महीने में 18 तारीख को हमारा ये एमसीओ यानी कि लॉकडाउन शुरू हुआ था, अप्रैल महीने में हम लोग काम करने लगे, तो वो थोड़ा ट्रांजिशन पीरियड था 2-3 हफ्ते के लिए, हम लोग सोल्यूशंस ढूंढ रहे थे कि किस तरह से हम ये बिजनेस आगे चलाते हैं। तो अभी देखने का क्या होता है कि आफ्टर मंथ्स अप्रैल मई जून चला गया तो हम लोग ऑल मैच्योर होते गए, यानी कि हमें पूरा मालूम हो गया कि हमें कुछ नहीं कर सकते, तो हमें बहुत सारी तैयारी की है। एग्जाम्पल
जिस तरीके से फिजिकली दौड़ पर हम लोग बिजनेस चलाते थे, लोगों को मिलते थे, ट्रेनिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, अभी सारी चीजें हम लोग ट्रांसफॉर्म करके ऑनलाइन पर चले गए। यहाँ तक अभी देखे तो हर महीने में हमारा ऑनलाइन का प्रोग्राम चल रहा है, और जो लोग कहीं पर बैठे हुए हैं, जहां तक आप लोगों के पास एक्सेस है अपना खुद फेसबुक का या यूट्यूब का, आराम से घर में बैठकर कॉफी पीकर आप पूरा नॉलेज हासिल कर सकते हैं। नंबर दो, जो हम लोग या HQ की तरफ से एक डायरेक्शन इस तरह का था कि ऐसे काफी मुल्क्स है, कंट्रीज है, जो इन लोगों के पास कोई ऑनलाइन की ट्रांजेक्शन नहीं होती थी, यानी कि जिन लोगों को मेंबर ज्वाइन करना था तो उस तरह की फैसिलिटीज नहीं थी, जिन लोगों को प्रोडक्ट ऑनलाइन पर खरीदना था तो इन लोगों का कोई इम्प्लीमेंटेशन उस वक्त में बिल्कुल तैयार नहीं था। तो पूरा ध्यान इस जरिए से चला गया कि दो चीजें, नंबर वन हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार करना है, मेक इट अवेलेबल, पेमेंट गेटवे को तैयार करना है ताकि लोग मेंबर जुड़ सकते हैं ऑनलाइन पर, प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, और आसान तरीके से जो हम लोग बैक ऑफिस से काम कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट सारी चीजें सब लोगों को हम पहुंचा सकते हैं। तो इट वॉज अ वेरी गुड मूव, इट वॉज अ वेरी गुड डिसीजन, इट वॉज अ वेरी गुड फॉर्मेशन टीम की। और जैसे ही हम लोग इसके ऊपर काम करते गए, बाय मंथ ऑफ मे एंड जून वी बेसिकली आउट ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम। तो माना यह जाता है कि जिस तरह से हम पूरी मैनेजमेंट जो काम कर रही है इस वक्त में, और फकर की बात यह है कि मैनेजमेंट इतनी स्ट्रांग है कि मैं क्या बताऊं, जुलाई महीने से लास्ट ईयर 2020 में जिस तरह से हमारा सेल्स हो रहा था पैंडेमिक के पहले, तो अब लोग अभी हम नॉर्मल में आ गए हैं। तो वी शुड बी वेरी थैंकफुल, भगवान से बहुत बहुत शुक्र गुजार है हम, क्योंकि हमें हर प्रॉब्लम से बाहर लेकर अभी हम लोग नॉर्मल में जी रहे, एंड हमारा बिजनेस अच्छी तरह से कर भी रहे और अच्छी तरह से हम फैला भी रहे। और जिस तरह से मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, चाहे लोगों की पैंडेमिक में सुनने में ये भी आ रहा है कि बहुत लोगों की दुकानें बंद हो गई है, लोगों का जॉब चला गया है, लोग कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे, कोई लॉन्चिंग प्रोडक्ट नहीं हो रही है, नथिंग, एक्सपेंशन भी नहीं होता है, बट हाउएवर DXN की अंदर जो हुआ है, आई टेल यू, मुझे मालूम है मेरे पास कोई ऐसा शब्द नहीं है कि मैं बोलूं कि हर चीजें जो बिल्कुल आउट ऑफ माइंड की थी वो सारी चीजें हुई है DXN में। यानी कि कहने का मतलब क्या है, इस पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर हम लोगों ने एक नया कंट्रीज के में ऑपरेशन खुला हुआ है, मॉरिटानिया, मोरक्को, और अभी ये ब्रुनाई, तो मैं इसके पीछे भी काम कर रहा हूं अभी, ब्रुनाई शायद बाय दिस ईयर एंड ऑफ द ईयर हमारा एक नया ब्रांच भी होगा ब्रुनाई में, एक अच्छा एक छोटा कंट्री है मलेशिया के बाजू में। सो प्रोडक्ट लॉन्चिंग भी हम लोगों ने किया है इन मलेशिया, एंड ऑफ कोर्स हम लोग का एक्सपोर्ट भी अच्छी तरह से किया है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जिस तरीके से हम लोगों ने मीटिंग ऑनलाइन पर किया है, लोगों को ये एहसास हुआ है कि DXN का प्रोडक्ट जो है वो सबसे बेहतरीन सोल्यूशन है, क्योंकि उस वक्त में किसी के पास कोई वैक्सीन भी नहीं था, तो अपने हेल्थ को बरकरार रखने के लिए हमारा प्रोडक्ट बहुत बोलता है, बहुत काम आता है। सो जिस तरीके से मैनेजमेंट ने, मेंबर्स लोगों ने, हमारे लीडर्स लोगों ने इस तरह से नॉलेज लोगों को ये दिया है, तो हमारी प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो बहुत हाई हो गई है। सो इन दैट मैनर आई एम वेरी वेरी थैंकफुल सब लोगों के लिए, स्टार्टेड फ्रॉम द स्टाफ, स्टार्टेड फ्रॉम द फैक्ट्री, द मैनेजमेंट एंड ऑल अवर फैंटेस्टिक लीडर्स, क्योंकि सब लोगों ने अच्छी तरह से साथ दिया है। विजय जी, एक अच्छा बात यह भी है कि इसी पैंडेमिक में डॉक्टर लिम को भी एक अच्छा सा रिकॉग्निशन किया गया और उसको एक गुडविल एम्बेसडर का रिकॉग्नाइज किया गया, तो इसके ऊपर भी हम लोगों ने काम किया। और द बेस्ट थिंग इज दिस, जो मैं बिल्कुल नहीं भूल पाऊंगा, हमारे CEO डॉक्टर लिम सिंह जी ने यह किया है कि इसी पैंडेमिक में शायद हमारे मेंबर्स लोगों को भी अफेक्टेड हुआ होगा, इन लोगों का बिजनेस, इन लोगों का जॉब्स वगैरह, तो डॉक्टर निशा जी ने इमीडिएटली ये प्लान निकाल कर उसने 100% रिडेम्पशन प्रमोशन का ये ऐलान किया। एंड इसी दौर पर ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो एक ही बात है, बट देखने के लिए ये होता है कि कम से कम DXN के अंदर ऐसा शख्स है हमारे फाउंडर जो लोगों को भी ख्याल रखता है। तो जिस तरह से आप लोग परचेस कर सकते हैं, द सेम अमाउंट वैल्यू के ऊपर आपको 100% प्रमोशन की रिडेम्पशन भी ऐलान कर दिया। सो इन दिस मैनर वी शुड बी वेरी थैंकफुल टू अवर डॉक्टर लिम सियाओचिन। एंड आज इवन दो पैंडेमिक भी है, हम इसी सिचुएशन में जी रहे, बट वी आर लिविंग इन अ वेरी नॉर्मल वे।
ऐसे सोच रहे कि वो पैंडेमिक बस सुनने में लिया था, बट जिस तरह से हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहा है नॉर्मल तरीके से हो रहा है, रिक्रूटमेंट नॉर्मल तरीके से हो रहा है, प्रोडक्शन नॉर्मल तरीके से हो रहा है, सारे चीज, यहां तक हम लोगों ने एक वर्चुअल एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया था जिस तरीके से लोग स्टार एजेंट से अंटिल ट्रिपल क्राउन डायमंड तक इन लोगों ने स्टेटस पाया था, तो इन सारे लोगों को हम लोगों ने वर्चुअली रेकनाइज किया था। तो विजय जी, दिस इज व्हाट एक्चुअली वी आर लिविंग इन द नॉर्म नाउ। दैट्स ग्रेट सर। और ये डिएक्शन का कल्चर भी है सर। हम प्रॉब्लम्स में, हम जो डिफिकल्टीज के अंदर भी सॉल्यूशन ढूंढते हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। यानी जितनी बार भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसके अंदर डिएक्शन कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी निकालती है। और ये अपॉर्चुनिटी देखिए, जहां सारी कंपनियां पैसा बचाने में लगी हुई थी, वहां डिएक्शन ने और हमारे डॉक्टर डॉक्टर लिम से जी ने एक स्टेप लिया, सीधा 100% रिडेम्पशन का ऑफर उन्होंने सीधा तुरंत दे दिया। यानी कि जहां लोग पैसे को कीप कर रहे थे, वहां उन्होंने अपना दिल खोल दिया अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, अपने एम्प्लॉइज के लिए और सभी कंज्यूमर्स के लिए, फायदे के लिए उन्होंने कर दिया, जिससे कि किसी को भी इस पैंडेमिक में हमारे प्रोडक्ट से कोई व्यक्ति वंचित ना रह जाए। दैट्स ग्रेट। और सर डेफिनेटली आपने बताया कि या एक अच्छी खबर ये भी है कि मलेशिया में दरअसल ऐसे बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज मौजूद है जो गवर्नमेंट के साथ रेकनाइज और रजिस्टर्ड भी है। सो आज के दिन में हमारे पास 170 कंपनीज मौजूद है मलेशिया में। सो जस्ट इमेजिन, कंपटीशन इतनी स्टीफ भी है। बहुत सारे ऐसे कंपनीज अपना खुद का प्रोडक्ट लेकर आते हैं मार्केट में, लोगों का अपना खुद का तरीका और स्ट्रेटेजी होता है। बट एक अच्छी बात यह है विजय जी, जो मैं आज सब लोगों को ऐलान करना चाहता हूं, जिस तरीके से यहाँ की सरकार ने हम लोगों के ऊपर स्पॉटलाइट बनकर देखा है, तो हमें ये एक अवार्ड दिया जा रहा है, तो उसी के पीछे मैं अभी तैयार कर रहा हूं। ये अवार्ड वो है, द बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का अवार्ड है। सो ये गवर्नमेंट मिलने वाला है, एंड आई होप हम ये क्वालिफाइड भी होंगे, एंड इन अ वेरी सून मैन ऑफ टाइम यहाँ के प्रधानमंत्री वो ऐलान भी करेंगे। सो जस्ट इमेजिन, आउट ऑफ सो मेनी कंपनीज वाई डीएक्सएन, सवाल ये उठेगा ना डेफिनेटली। और एक अच्छी बात ये कि देखा जाए तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज जो है, तो इन लोगों का सेल्स बिल्कुल डाउन हो रहा था, सम आर इवन क्लोज्ड, ठीक है ना। तो हमारी सेल्स देखा जाए आफ्टर जुलाई ऑनवर्ड वी स्टार्ट पिकिंग अप। कहने का मतलब क्या है कि 2020 का सेल्स जो ना इतना ज्यादा बिल्कुल अफेक्ट नहीं हुआ है, एंड इन फैक्ट फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स वी रिकवर बैक अवर सेल्स जस्ट लाइक नॉर्मल। तो अभी हमें हौसला और बढ़ गया है, मुझे लगता है हमें और डबल काम करना चाहिए, मौका पूरा हमारे सामने है। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। और जहां चाह वहां रहा। अब सर जनरली क्या होता है कि आज की डेट में एक कंसेप्ट चल रहा है जो कई पीढ़ियों चला रहा है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, राइट। और ये भी कहा जाता है कि भाई नौकर का बेटा नौकर, ये भी एक दिमाग में सोच है। लोग घबराते हैं किसी नए व्यवसाय के बारे में जानने के बारे में, करने के बारे में। जैसे कि कंप्यूटर आया था पहले, तो कंप्यूटर में ये कहा गया था कि कुछ ही लोग इसको कर सकते हैं भाई, जिसने साइंस ग्रेजुएट है या जिसने साइंस से पढ़ा हुआ ही कर सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा भाई कुछ दिन देख लेते हैं क्या होता है, यानी 5-10 साल उन्होंने वेट किया देखने के लिए। और ये जो 5-10 साल होते हैं जो वेट में उन्होंने गुजारे, उस समय में जिन्होंने इस कैरियर को, कंप्यूटर के कैरियर को ले लिया और बहुत तेजी से आगे बढ़ गए, उसी तरीके से कुछ लोगों के मन में विचार होता है कि हम डायरेक्ट सेलिंग को चुने या ना चुने। तो सर मेरा जो अगला प्रश्न है आपसे इसी के ऊपर है, इफ एनीवन वांट्स टू चूज डायरेक्ट सेलिंग एज अ कैरियर, विच पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड टू चूज द बेस्ट कंपनी। जैसे आपने बताया सर 170 कंपनियां हैं मलेशिया के अंदर, अगर कोई अपना डायरेक्ट सेलिंग में अपना अपने आप का कैरियर चूज करना चाहता है, तो 170 कंपनियों को चूज करने के लिए जो कौन सी उनमें से बेस्ट कंपनी है 170 में से, किन किन बातों का उसे ध्यान रखना चाहिए जिससे कि वो इस कैरियर के अंदर कामयाब हो सके और उस कंपनी के साथ अपने जीवन को संवार सके। बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली करियर वो चीजें होती है जो हमें बिल्कुल सोच समझकर चुनना है। जिस तरीके से हमारे पास वो काबिलियत है, वो स्किल्स है, हमें देखना चाहिए कि हमें किस तरह से आगे बढ़ने के लिए हम और बेहतरीन कर सकते हैं। ये करियर ऐसी चीज होती है जो हम बिल्कुल सही तरीके से नहीं चलेंगे या रॉन्ग डिसीजन भी ले लिया
तो हमारा पूरा आगे जाने का करियर जो है वो बर्बाद भी हो सकता है। सो नाउ जिस तरीके से आपने मुझे ये सवाल पूछा है डायरेक्ट सेलिंग का, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ ऐसे बहुत सारे कंपनीज भी होती है, आई एम वेरी श्योर बाहर में भी ऐसे बहुत सारी कंपनीज होती है, कोई जाली कंपनी होती है तो कोई नकली कंपनी भी होती है, यानी कि लेजिटिमेट कंपनी भी होती है या दो नंबर की कंपनी भी होती है, ऐसी कंपनीज भी होती है कि भाई इन्वेस्टमेंट में चलाते हैं, ऐसी कंपनीज होती है तो बाइनरी में भी चलाते हैं। सो एज अ वाइस थिंकर आपको जिस तरह से आपको करियर बनाना है एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, यानी कि बेस्ट कंपनी को किस तरह से आपको चुनना है, आप लोग प्लीज चेक करें कि ये लेजिटिमेट कंपनी है या नहीं है। ओके, आज देखा जाए यू नो वेरी सिंपल, एक कंपनी को रजिस्टर करने के लिए 2-3 दिन में आपका कंपनी रजिस्टर हो सकता है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। और जिस तरीके से वो कंपनी जो आप डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर रजिस्टर करते हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो कंपनी का मालिक दरअसल कौन है, वहां कितने सारे लोग जुड़े हुए वो कंपनी के अंदर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दिस, हमें ये जानना है कि कंपनी किस तरह से ये लोग चलाएंगे। अभी देखा जाए तो वैसे बहुत सारी कंपनीज है, बहुत अच्छा अच्छा लिखते हैं अपने वेबसाइट में, बहुत अच्छा चीजें बोलते हैं, लोग सपना दिखाते हैं, बट हकीकत में कुछ भी नहीं है। सो हाउएवर इट इज, पहले आप लोगों को कंपनी के ऊपर देखना है। नंबर दो, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जो इन लोगों के पास बिल्कुल अपना खुद का प्रोडक्ट भी नहीं है, जो आसमान से आया प्रोडक्ट लेकर चलो इन लोगों ने बात कर दी, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये प्रोडक्ट फलाना दिखना बहुत अच्छा है। बट हाउएवर इट इज, आपको प्रोडक्ट के ऊपर भी देखना है कि ये प्रोडक्ट दरअसल आता कहां से, बनाता कौन है, इसके पीछे जो फैक्ट्री से जो शायद आ रही होगी तो कैसे कैसे बनता है। सो यू सी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्या है कि इसमें एक अश्योरेंस होती है, जिस तरीके से जब आप शुरू करेंगे ये प्रोडक्ट्स को मार्केट करने के लिए और वो प्रोडक्ट ही बिल्कुल खत्म हो जाएगा सप्लाई में, तो आपका क्या होगा, करियर बर्बाद हो जाएगा आपका, यानी कि पूरी तरह से कंपनी क्लोज भी हो सकती है। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड ये प्रोडक्ट सप्लाई दरअसल कहां से आ रहा है और वो प्रोडक्ट में दरअसल क्या है, ऐसा क्या है कि आप ये प्रोडक्ट को लेकर लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हो, ऐसा क्या है कि ये कंज्यूमेबल हो सकता है, ऐसा क्या है कि ये रिपीट ऑर्डर भी हो सकता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज सबसे ताकतवर वो होता है प्रोडक्ट और कंपनी का, ये दोनों चीजें, जब ये दोनों चीजें सही होगा, तीसरा हमें क्या देखना है, वो प्लान, कंपेंसेशन प्लान। मैं नहीं कह रहा हूं कि जितने सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बाहर में है वो सब बेकार है या नहीं, नो, बट एक वाइस तरीके से हमें ये स्टडी करना पड़ेगा कि ये कंपनी जो सही है, प्रोडक्ट सही है, जो उसका प्लान सही है, तो मुझे लगता है काम करने के लिए बहुत आसान होगा। और जिस तरह से आप शुरुआत करेंगे अपना काम, आपको खुद एहसास होगा कि 1 साल 2 साल 3 साल के बाद आप अपने करियर को कितना दूर लेकर जा सकते हैं। सो मेरे दोस्त, मैं दरअसल 16 साल हो गया मेरा डीएक्सएन में, 16 ईयर्स ऑलरेडी, देखा जाए तो 16 ईयर्स 1 मंथ नाउ टू बी एग्जैक्ट, और मैंने डीएक्सएन जैसा कंपनी ऐसा कहीं भी नहीं देखा है बाहर में। देयर सो मेनी कंपनीज हियर इवन, बट ये लोग कंपीट बिल्कुल नहीं कर सकते डीएक्सएन के, क्योंकि हमारी कंपनी पूरे वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज है। आप ये सोचिए, 27 साल की कंपनी जो मलेशिया से शुरू हुआ है, अभी 180 देशों में है, हाउ इज इट पॉसिबल इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लोगों को 40-50 साल लगता है ये बिजनेस को पूरे दुनिया में पहुंचाने के लिए, बट वी मेड इट दिस इवन वेरी फास्ट। डॉक्टर लिम का सपना था कि मेरा दरअसल 20th एनिवर्सरी होगा, तो हम कम से कम भी 100 देश में हम डीएक्सएन को लेकर जाएंगे, बट अभी डॉक्टर लिम तो अपने सपने में जी रह रहे हैं। व्हाई? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी हिटेड मोर देन दैट, 180 ओवर कंट्रीज, हाउ वुड दिस बी पॉसिबल? सो यू जस्ट इमेजिन, कुछ तो है इसके अंदर, क्यों? बिकॉज इसके पीछे जो काम कर रहा है, इसके पीछे जो डॉक्टर लिम है, इतना विशनरी है, लोग अभी सब जुड़ गए, अलग अलग मुल्क लोगों को, सब लोगों को जुड़ा दिया है, ऐसा एक बेटरिन सिस्टम बनाया कि हम सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, एक ही प्लेटफॉर्म में बात कर रहे हैं, एंड द सेम लैंग्वेज वी आर स्पीकिंग। सो यू सी वन थिंग गुड अबाउट डीएक्सएन कंपेयर्ड विद एनी अदर कंपनीज, क्योंकि जिस तरह से लोग डीएक्सएन में काम करेंगे ना, हमारा सिस्टम जो है वो इतना सिंपल है। मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगा, 16 साल हो गया मेरा डीएक्सएन के अंदर, मैंने अप्स एंड डाउन सारी चीजें मैंने देखी हुई है, यहां तक मैं आप लोगों को एक टेस्टिमनी देने के लिए भी तैयार हूं,
कि क्यों डीएक्सएन की कंपनी कंपेयर किया जाए कोई बाकी की कंपनीज के साथ, व्हाई डीएक्सएन इज स्टिल द बेस्ट, क्यों? बिकॉज हमारा सिस्टम बहुत सिंपल है, डुप्लीकेबल भी है, और जिस तरह से हम लोग शेयर करते हैं, जैसे आज मुझे बुलाया गया, मैं शेयर कर रहा हूं, इट्स ऑल माय, इट्स अ सिंपल स्टोरी, और ये सारी हकीकत की बात है। मैंने कुछ भी अच्छी तरह से मलाई नहीं लगाया, कोई यू नो आई नेवर पुट एनी स्पाइसेस ऑन माय स्टोरी, नो, बिकॉज हम रियलिटी बताते हैं, जो है वही बताते हैं। सो दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग। नंबर टू, ऐसे कई शख्स थे जो हमारे डीएक्सएन में पहले ज्वाइन किया था और वो लोग निकलकर कोई दूसरे कंपनीज में चला गया। क्यों? क्योंकि दूसरे कंपनी जो है वो बहुत ज्यादा ड्रीम दिखाती है, हेलीकॉप्टर दिखाते हैं, ये दिखाते हैं, वो बहुत इतना ऐसा कंपनी आते रहते हैं नया नया स्ट्रेटेजी लेकर। तो जिस तरीके से हमारा मेंबर कोई दूसरा कंपनी में जाता है तो इन लोगों को खुद एहसास होता है कि नहीं, ये मेरा कंपनी में मेरा बिल्कुल करियर नहीं बनता है, यहाँ डीएक्सएन में टर्मिनेट हो चुके हैं और वो कंपनी में इन लोगों का करियर नहीं बन रहा है, और 3-4 महीने के बाद ये लोग इस तरह पर पहुंचे गए, नो आई एम नॉट एबल टू ब्रिंग माई करियर फर्दर। तो क्या होता है, तो ये लोग पलटी मारकर आते हैं और हमें ये कहते हैं कि नहीं, आप लोगों का सिस्टम जो है वो सबसे बेहतरीन सिस्टम है, यू आर द बेस्ट कंपनी, इतना सिंपल सिस्टम है, पूरी दुनिया को लगा सकते हो, फैंटेस्टिक मार्केटिंग प्लान विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वन वर्ल्ड वन मार्केट। तो लोगों को ये एहसास होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, बिफोर यू इवन चूज द बेस्ट कंपनी, ये चीजें वो होती है जो आपको कंसिडर करना पड़ता है, बिकॉज ये टाइम जो होता है वो वापस नहीं आएगा। एक बार रॉन्ग डिसीजन भी कर लिया, आपका पूरा लाइफ तबाह हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। वाओ सी सर, आपने बिल्कुल सिंपल शब्दों में बताया कि अगर आपको कोई कंपनी चूज करनी है तो सबसे पहले देखना है उसका फाउंडर कौन है, और उसका फाउंडर कौन है, उसका और उसके प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट कहाँ बनाए जाते हैं, क्या कंपनी खुद बना रही है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी से लेके अपना लेबल लगा के बेच रही है। और अगर बेच भी रही है तो वो कब तक ये बेच पाएगी और कब तक उसकी क्वालिटी और उसके रेट्स पे वो कंट्रोल कर पाएगी। तीसरा कि उसका कंपनसेशन प्लान, जो सर ने बताया कि कंपनसेशन प्लान कैसा है, क्या उसका पे आउट टाइमली आ रहा है, और साथ साथ क्या वो देश और विदेश में भी उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड है, उसके कंज्यूमर बेस है। तो ये तीन महत्वपूर्ण बातें, अगर आपको जवाब में हाँ मिलता है कि प्रोडक्ट अपना खुद का बना रही है, क्वालिटी उसकी प्रोडक्ट की अच्छी है, बार बार उस प्रोडक्ट की डिमांड आ रही है, लोग उसको खरीद रहे हैं, जिसका मतलब प्रोडक्ट अच्छे हैं, साथ साथ उनके फाउंडर जो है उन्होंने प्रॉपर रिसर्च की है और फील्ड से है, ये भी ध्यान में रखना है। तीसरा उनका कंपनसेशन प्लान, टाइमली उनको पैसा आ रहा है। अगर तीन बातें हाँ में मिलती हैं तो वो कंपनी बेस्ट है। और मैं आपको इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। जी हाँ, डीएक्सएन में तीनों खूबियां हैं। तो जो लोग नए हैं, जिनको आज इनवाइट किया गया है, आज देर ना करें, इस प्रोग्राम के बाद सीधा डीएक्सएन की डिस्ट्रीब्यूटरशिप को साइन करें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आज से शुरू करें, अपने एक नए करियर की शुरुआत करें, अपने काम को छोड़े बिना। अगर स्टूडेंट हैं, काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेसमैन हैं, सबके लिए डीएक्सएन है, सबके लिए डीएक्सएन में बराबर की अपॉर्चुनिटी है, बेहतरीन तरीके से। जब ये सर अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है, लाइक मैं भी एक जॉब कर रहा हूं, मैं भी एक सैलरीड पर्सन हूं, आप भी सर एक जॉब कर रहे हैं, आप भी सैलरीड पर्सन है, सर मेरा प्रश्न जो आपसे ये है कि क्या कभी आपको नेटवर्कर बनने का मौका मिला, ये नेटवर्किंग करने का मौका मिला, तो सर एज ए नेटवर्कर आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी? ओके, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बिल्कुल फंसा दिया इसी सवाल के साथ। सर ये सवाल लोगों के मन को सोच के हैं, जो मैंने आपसे जानने का प्रयास किया है कि बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होंगे और हमसे भी जानना चाहते हैं कि हमारे क्या सोच होगी हम जो बातें कर रहे हैं। विजय जी आपने बिल्कुल सही कहा, जिस तरीके से जब हम लोग यूनिवर्सिटीज छोड़ते हैं तो हम लोग दरअसल क्या करते हैं कि हम लोग अपना खुद का नेटवर्क बनाते हैं। दोस्त लोग जितने भी बाहर में हैं वो हमारा खुद का नेटवर्क होता है। जिस तरीके से हम लोग ऑफिस में जाते हैं, कोई नई दोस्ती भी करते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं, यानी कि एक सर्कल ऑफ फ्रेंड्स हो जाते हैं, हम नेटवर्किंग करते हैं, am I right? और आज जब इस पोजीशन में हम लोग बैठ रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के लोग हो, चाहे वो फैक्ट्री के लोग हो, चाहे हमारे मेंबर्स लोग, हम सब लोगों के साथ जुड़े हुए होते हैं। सो सेम थिंग ऑल्सो, जो मुझे एक दिन ये चांस दिया जाएगा एक नेटवर्कर बनकर, डेफिनेटली मैं डीएक्सएन ही चुनूंगा, दैट इज ऑल्सो आफ्टर माई रिटायरमेंट। अभी तो मैं बहुत जवान हूँ। और चाहे मैं जवान ही रहूंगा हमेशा के लिए, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो है किसी को वो बूढ़ा नहीं दिलाता है, I mean, सब लोगों को जवान ही जवान करता है, हमारा प्रोडक्ट इतना बेहतरीन है, ठीक है ना? तो द मोस्ट
टॉप मैनेजमेंट भी सुन रही होगी तो आपको कभी रिटायर नहीं करेगी वो। डेफिनेटली नो। देखिए विजय जी, पिछले 16 साल से मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं और मैंने कभी भी नहीं सोचा है कि मैं एक नेटवर्क के दौर पर मैं नेटवर्किंग अपना खुद का करूंगा। बट डेफिनेटली जो मुझे ऐसा मौका दिया जाएगा, दैट इज ऑल्सो आफ्टर माई रिटायरमेंट आई विल डेफिनेटली वर्क विद DXN, क्योंकि मेरे खून में अभी भी DXN का खून चल रहा है। तो 16 साल से मैं कहीं भी नहीं गया हूं, चाहे कितने भी ऑफर्स भी आती है रहती है, दैट्स नॉर्मल। बट DXN वो चीज है जो मेरी जिंदगी में मेरा पूरा जिंदगी चेंज कर दिया है। सो हाउएवर इट इज, जो मुझे जिस तरह से कोई नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना भी है तो मुझे लगता है आई हैव गॉट ऑल द स्ट्रेटजीज इन माई हैंड। 16 साल से मैं काम कर रहा हूँ, हम लोग मेंबर के साथ काम कर रहे, लीडर के साथ काम कर रहे, आपने देखा भी है कि DXN के अंदर जितने सारे लोग भी जुड़े हुए हैं, इन लोगों का लाइफ 100% ट्रांसफॉर्म कर दिया है। फ्रॉम जीरो टू हीरो टूडे, फ्रॉम गरीब टू अमीर टूडे, फ्रॉम नोबडी टू समबडी टूडे। सो व्हाई इज नॉट पॉसिबल, यू नो, हम कहीं भी जाएंगे तो हमें ये माइंड जो हमारा है ना वो स्ट्रॉन्ग करके जाना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और जहां रहा स्ट्रेटजीज के बारे में, हमारे जितने सारे नए मेंबर्स जो आज सुन रहे हैं, प्लीज रिमेंबर वन थिंग, जो आप लोगों ने प्रवेश भी कर दिया DXN में, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको कंपनी को समझना है और ये करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। कंपनी के बारे में सीखो, कंपनी के प्लान के बारे में सीखिए, प्रोडक्ट के बारे में भी सीखिए, बिकॉज हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि चाहे इंडिया में हो, चाहे मलेशिया में हो, कहीं दूसरे मुल्क में क्यों ना हो, सेम प्रोडक्ट है, इट्स ऑल सेम प्रोडक्ट, सेम प्लान, सेम स्ट्रेटजी, एवरीथिंग इज सेम। तो मुझे लगता है आपको स्टडी करने के लिए बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है, सिंपल है। और हमारे पास इतने बेहतरीन लीडर्स लोग हैं, यू नो, वो बिल्कुल तैयार हो जाएंगे आपको मदद करने के लिए। और जिस तरह से अभी ये मीटिंग भी चलता है ऑनलाइन का, आपके पास ढेर सारा टाइम है, आपके पास यू हैव गॉट ऑल द टाइम फ्रीडम विद यू, प्लीज लॉग इन करें और थोड़ा कुछ सीखिए। सीखने के बाद क्या होगा, आपको ये बिजनेस चलाने के लिए आपको खुद पर खुद कॉन्फिडेंस आएगा। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो टू मी, यू लर्न अबाउट द प्रोडक्ट्स, यू लर्न अबाउट द प्लान, यू लर्न अबाउट हाउ टू डू दिस नेटवर्किंग, किस तरह से हम ये ग्रुप बना सकते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हाउ टू बिल्ड अ टीम, इन लोगों को बरकरार कैसे करना है, मोटिवेट कैसे करना है, फॉलो अप कैसे करना है, टीम बिल्डिंग कैसे करना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जिस तरह से आपने टीम भी हो गए ना, तो अपने टीम के अंदर आपको एक लीडर की हैसियत से माना जाता है, तो अपनी लीडरशिप की क्वालिटीज को अपनों पॉलिश करना है, जिस तरीके से आप कोचिंग करेंगे अपने टीम के बाद, सो यू आर बिल्डिंग द कॉन्फिडेंस इन देमसेल्फ। सो ऑल दिस इज लर्निंग, और लर्निंग वो चीजें होती है कि कभी भी उसका डेट नहीं होता है कि दिस इज माई लास्ट लर्निंग। लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, जहां तक हम इस दुनिया को बाय बाय नहीं करते है फिर भी हमारी लर्निंग होती है। So this is one very important strategy that you need to hold. Number two is the commitment. जो आपने माना के 3 साल 5 साल के बाद अपने अपने करियर को एक अच्छा बनाना है, तो आपकी खुद की कमिटमेंट होनी चाहिए। कमिटमेंट इस तरह से होनी चाहिए कि यू नो यू हैव योर ओन गोल सेटिंग्स। 5 साल में मुझे दरअसल क्या करना है, 5 साल में मुझे हासिल क्या करना है। ऐसी कोई भी कामयाबी 1 साल 2 साल के अंदर नहीं होती है, दैट इज ऑल जस्ट प्रोग्रेसिव, यू नो, प्रोग्रेसिव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यू प्लीज हैव अ गोल सेटिंग्स फॉर योरसेल्फ, एटलीस्ट 5 ईयर्स अपना टाइम इन्वेस्ट करें, यू नो, DXN में। आई एम वेरी श्योर यू विल बी एबल टू गो फार। एंड नंबर थ्री, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दिस, आपको थोड़ा कुछ सीखना चाहिए किस तरीके से हमें प्रेजेंटेशन देना है। तो दरअसल पिछले 16 साल के अंदर मैं DXN में काम कर रहा हूँ, मैंने सारे लीडर्स लोगों के साथ, यहां तक नॉर्मल मेंबर्स के साथ भी मैं सीखता हूँ, क्योंकि सीखने के लिए हमें देखना नहीं कि कौन है वो, सीखने के लिए हम कहीं भी जाएंगे वो सीखने के लिए मिलेगा, हमें ऑब्जर्व करना है, सीखना है और शेयर करना है। एंड जिस तरह से हम ये करते जाएंगे हर रोज, आई टेल यू वी विल बिकम वेरी वेरी शार्प, यू नो। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्ट्रेटजी। थैंक यू सर, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से 3 बातों में पूरे अपनी स्ट्रेटजी का निचोड़ बता दिया। यानी कि पहला कि हमें अपनी लिस्ट को बनाना है और उसको लोगों को, दोस्तों को अपने एक्टिवेट करना है, उनसे घुल मिल के रहना है, यानी सोशल नेटवर्किंग, यानी सोशल इंजीनियरिंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, उसको स्ट्रांग करना है, इस पे वर्कआउट किया। देन उसके बाद में आप प्रोडक्ट्स पे आए, बी द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स, यानी प्रोडक्ट का भरपूर सेवन करना है और उसको
प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं उसके फायदे को महसूस करके लोगों को शेयर करना है। और देन आप तीसरे पॉइंट की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, और जब तीसरा पॉइंट आप कंप्लीट कर लेते हैं तो मतलब कि ट्रेनिंग का पार्ट, आपको डीएक्सएन के ट्रेनिंग मॉड्यूल्स की प्रॉपर तरीके से जानकारी होनी चाहिए, लोगों से बात करो, हर मीटिंग को अटेंड करो, इवन दो किसी से भी आप सीख सकते हैं। सीखने के लिए किसी स्टेटस की जरूरत नहीं है, सीखने के लिए किसी उम्र की जरूरत नहीं है, किसी भी उम्र का व्यक्ति किसी से भी सीख सकता है और किसी भी उम्र का व्यक्ति इस व्यवसाय को कर सकता है। तो सर आपने अभी तक सेशन में बहुत ही बेहतरीन जानकारी सर आपने शेयर की। सर बात करते करते आपने एक बात बोली थी कि नो वन टू समवन बन जाता है कोई, गरीब से अमीर बन जाता है सर कोई, तो इसी से मेरा जो अगला प्रश्न है सर इसी से रिलेटेड है कि कैन अ लेमैन बी अ मिलियनेयर इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द पेशेंस इन देयर बिजनेस। क्या कोई आम आदमी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अमीर बन सकता है और इस व्यवसाय में धैर्य का क्या महत्व है, इसके बारे में सर हमारे दर्शकों को आप बताएं। या विजय जी, एक्चुअली एनीवन जो चाहे तो वो मिलियनर बन सकता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के ऊपर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसके पास हार्ड वर्किंग होनी चाहिए, हार्ड वर्किंग। तो लोग कहते हैं ना कि भाई मुझे ये बताइए कि सक्सेस बनने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। सो पहला शब्द तो ये निकलेगा सक्सेस बनने के लिए कि आप तैयार हैं हार्ड वर्किंग करने के लिए। जिस तरह से आप हार्ड वर्किंग करेंगे, मेहनत करेंगे, कहने का मतलब है मेहनत करेंगे, उतना ज्यादा सक्सेस आप कमा सकते हो। सो चाहे वो लेमैन ही क्यों ना हो, चाहे वो पढ़ा लिखा ही क्यों ना हो, चाहे वो अंधा ही क्यों ना हो, चाहे वो बहरा ही क्यों ना हो, जिस तरह से आप हार्ड वर्किंग करेंगे, आई एम वेरी श्योर यू विल बी एबल टू सी दी सक्सेस। नाउ नंबर टू, हमेशा ये बात हमारे ध्यान में रखना चाहिए, कुछ भी हासिल करने के लिए हमें मेहनत तो करना पड़ेगा, उसके ऊपर हमें पेशेंस भी होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आज मुझे चाहिए तो आज ही मिलेगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। पेशेंस ऐसी चीज होती है, जिस तरह से पेशेंटली हम काम करेंगे, जिस तरह से पेशेंटली हम कुछ फॉलो अप करते जाएंगे या कुछ भी करेंगे, तो इसमें से हम अच्छा सा प्लान कर सकते हैं। इफ यू हैव गॉट द पेशेंस, आप अच्छा सा प्लान कर सकते हैं, अच्छा सा गुड डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, अच्छा सा प्लानिंग कर सकते हैं। सो पेशेंस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दो चीजें डोंट फॉरगेट, हार्ड वर्किंग इज इंपॉर्टेंट, पेशेंस ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये दोनों चीजें आपके पास होगी, आई एम वेरी श्योर आप बेहतरीन से बेहतरीन अरेंजमेंट कर सकते हो और जो चीजें आपको चाहिए आई एम श्योर यू विल बी एबल टू अचीव। थैंक यू विजय जी। ग्रेट सर, दैट्स ग्रेट। यानी कि हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी मेहनत व्यवसाय में। जैसे डॉक्टर बनने के लिए 4-5 साल पर स्टडी करना पड़ता है, देन 10 साल प्रैक्टिस करता है, देन उसके बाद में वो डॉक्टरी के नाम में कामयाब भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। लॉयर के अंदर भी ऐसा ही है कि 4-5 साल वो पढ़ाई करने के बाद प्रैक्टिस करता है तो एक बेहतरीन लॉयर भी बन सकता है और नहीं भी बन सकता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के व्यवसाय में अगर आपने 4-5 साल सही तरीके से समय दिया और सही ट्रेनिंग ली तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी, क्योंकि आप इतना तो समझ ही जाओगे कि जिंदगी में कैसे स्ट्रगल करना है और कैसे अपने कामयाबी को प्राप्त करना है। यानी कि हिम्मत ना हारिए बिसारिए ना राम को, तो हिम्मत मर्दा मद दे खुदा। तो यानी अगर आप हिम्मत करेंगे, प्रयास करेंगे तो सारी कायनात आपके साथ लग जाएगी, गॉड आपके साथ लग जाएंगे, उनकी सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ लग जाएगी, पॉजिटिव लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे और आपकी कामयाबी में आपको कामयाब बनाने में मदद करेंगे। यही टीम वर्क है आपका डायरेक्ट सेलिंग में। या विजय जी, एक कहावत होती है, मंजिल उन्हीं को होती है जिनके सपने में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। वाओ, वंडरफुल सर। जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इनफैक्ट द सेम चीजें मैं बार 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 लोगों को ये बताता हूं, जहां तक हौसला है तो आप ढेर सारा काम कर सकते हैं, एक दिन जब ये हौसला मर जाएगा तो आप पूरे बेकार हो जाएंगे, तो आपके हाथ में। दैट्स ग्रेट, सब कुछ आपके हाथ में है, आपकी इन 10 उंगलियों के अंदर है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसको खाली हाथ रख के जाना है या मुट्ठियों को भर के अपने पीछे लेगेसी छोड़ के जाना है। ये टोटली अप्स टू यू। दोस्तों,
बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं उम्मीद करता हूं बहुत सारे सवालों के जवाब आपको आज मिले होंगे। आज जो मेरा गेस्ट से जो आज के शो का एक अंतिम सवाल है, मैं अंतिम भी नहीं कहूंगा, एक महत्वपूर्ण सवाल है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी ग्रोथ के लिए, डीएक्सएन की ग्रोथ के लिए और नए डिस्ट्रीब्यूटर के जीवन में बदलाव लाने के लिए, और जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ना चाहते हैं उनकी जिंदगी में भी बदलाव लाने के लिए। तो सर मेरा जो ये प्रश्न है आपसे, विच स्ट्रेटेजी शुड द डिस्ट्रीब्यूटर एडॉप्ट टू इंक्रीज हिज बिजनेस? डिस्ट्रीब्यूटर अपना बोनस बढ़ाने के लिए, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए कौन सा प्लानिंग करें, कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाएं जिससे कि उनके बोनस में, उनकी इनकम में बदलाव आए और उनके बोनस के अंदर कभी गिरावट ना आए, हमेशा चढ़ाई रहे, यानी उतार ना आए, हमेशा बढ़ता ही रहे और वो एक स्टेबल इनकम ला सकें, साथ साथ उनके जीवन में एक स्टेबिलिटी आए और फाइनेंशियल फ्रीडम आए। या विजय जी, देखा जाए तो इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है, वेरी इंपॉर्टेंट होती है मेरे लिए। नंबर वन, प्रोस्पेक्टिंग। जो आप लोग बिल्कुल प्रोस्पेक्टिंग नहीं करेंगे तो अपना टीम बढ़ने नहीं वाला है, जब टीम ही नहीं बढ़ेगा तो बोनस भी आपको कुछ नहीं बनने वाला है। सो जिस तरह से हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं, वी आर ट्रांसफॉर्मिंग पीपल, हम लोगों को मदद कर रहे हैं, वी आर मेकिंग दम रियलाइज देयर सक्सेस, वी आर चेंजिंग देयर लाइफ, तो ये करने के लिए वी नीड अ टीम, सो वी नीड टू हैव पीपल, नंबर वन। नंबर दो, माना के लोग झूठते रहे, रोग पीपल आर ज्वाइनिंग यू एंड ऑल लाइक दैट, रिमेंबर वन थिंग, ट्रेनिंग, मीटिंग, गैदरिंग, ऑल दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नो मीटिंग नो इनकम, नो गैदरिंग नो बोनस, ठीक है ना। और नंबर तीन क्या होता है कि जिस तरीके से हम लोग स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज अबाउट बोनस, हाउ टू इंक्रीज योर बोनस। तो मैं आज शायद आप लोगों के साथ थोड़ा कुछ बताऊंगा कि दरअसल मैंने क्या किया है मलेशिया में। जब मुझे कंट्री मैनेजर अपॉइंट किया गया था, तो मैंने नंबर वन स्टडी किया था कि हमारे मेंबर्स और हमारे लीडर्स लोगों का जो बोनस आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो मैंने स्टडी किया इसके बारे में। और जहां तक हमारा मलेशिया का पॉपुलेशन जो है वो लगभग 31 मिलियन का है, अभी वेरी स्मॉल पॉपुलेशन, और देखा जाए तो बहुत सारी कॉम्पिटिशन भी है मलेशिया में, जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया। सो नाउ स्ट्रेटजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्लान यानी कि कॉम्पेंसेशन को मजबूत रखने के लिए जो मेंबर्स लोग अपना बोनस ज्यादा ले सकते हैं, यानी कि टीम बनाकर, परचेस यानी कि सेलिंग बनाकर, कंज्यूम बनाकर, जो इन लोगों का बोनस ज्यादा हो सकता है, तो सबसे बड़ी मोटिवेशन लोगों को कहां से मिलती है? अपने बोनस के ऊपर। द बिगर योर बोनस इज द बिगर योर मोटिवेशन विल बी, द बिगर योर बोनस इज उतना ज्यादा ही आपका सपना जो है वो करीब होते जाएंगे हासिल करने के लिए। सो बोनस इज द बिगेस्ट मोटिवेशन माय डियर फ्रेंड्स। और ये करने के लिए मैंने इस तरह से स्ट्रेटजी तैयार की थी मलेशिया में, खास करके अभी पूरे मेरे रीजन में मैं एक ही लैंग्वेज बोलता हूं, वो है 300 पीवी। सवेरे उठो, नाश्ता करो, भी 300 पीवी के बारे में बात करो। दोपहर का खाना हो, आप लंच ले रहे हो, तो भी 300 पीवी के बारे में बात करो। शाम में अपना डिनर ले रहे हो, वो भी 300 पीवी के बारे में बात करो। यहां तक आप सोने के लिए भी जाएंगे, रात को विश्राम करेंगे भी, आपको 300 पीवी के बारे में बात करना है। सो हूएवर यू मीट, व्हाटएवर यू डू, 300 पीवी अपने माइंड के बनाकर रखना है। एंड देयर मेनी पीपल बेसिकली आस्क मी दिस क्वेश्चन, आशीष जी आप पागल हो गए, 300 पीवी हम कैसे कर पाएंगे? मेरा तनख्वाह इतना ज्यादा नहीं है कि आपको लगता है मैं 300 पीवी कर सकता हूं, मेरी बीवी मुझे मारेगी, मेरा तनख्वाह कम है, हाउ एम आई सपोज टू मेक दिस थिंग पॉसिबल? सिंपल सी चीजें होती है, जिस तरह से आपके पास कमिटमेंट कर लिया है कि आपको अपने करियर को अच्छा बेहतरीन बनाना है, जिस तरह से आपने ये कमिटमेंट किए है मुझे अपना लाइफ चेंज करना है, तो ऐसी कमिटमेंट ये भी करे कि मेरा सेल्स भी बढ़ने वाला है। जितना ज्यादा मेरा सेल्स होगा उतना ज्यादा मेरा बोनस होगा, जब जितना ज्यादा मेरा बोनस होगा आप अपने सपने से बहुत करीब होंगे। सो दिस 300 पीवी स्ट्रेटजी जिस तरह से मैंने लगाया था मलेशिया में, फिलहाल कोई करने के लिए तैयार नहीं था, बट हम लोग ज्यादा लोगों के साथ बेनिफिट्स के बारे में बता रहे थे कि क्यों हमें क्वालिफाइड स्टार एजेंट बनना है। आप हमारे मार्केटिंग प्लान में भी देखिए, इसमें दो किस्म की क्वालिफिकेशन होती है, क्वालिफाइड स्टार एजेंट की और क्वालिफाइड स्टार डायमंड की। तो व्हाट इज द इश्यू,
हमें जहां तक ये क्वालिफिकेशन नहीं होगी तो आप ये समझ लीजिए कि आपका बोनस जो है वो मैक्सिमम तक नहीं जाएगा। जब आपकी टीम भी क्वालिफिकेशन नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा बोनस मैक्सिमम उठाने के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, जिस तरह से आप लोग एक लीडर है, आपकी मेंबर, आपके कोई भी मेंबर लोगों का बोनस भी उठ जाता है, यानी कि हाई हो जाता है, तो आप ये सोच लीजिए कि उसके अंदर वो जज्बा होगा काम करने के लिए, मोटिवेशन होगा, वो कोई भी नहीं छू सकता है, यू नो। सो इन ऑर्डर फॉर यू टू मेक योर बोनस इंक्रीज्ड, प्लीज क्वालिफाई स्टार एजेंट के ऊपर आप ध्यान दीजिए। सो मैंने ये 300 पीवी, इवन आज के दिन में भी मैं हर बार 300 पीवी के बारे में बोलता हूँ। यहां तक मैंने ऐसा स्पेशल प्रोग्राम भी सेट किया हुआ है 300 पीवी का। जिन लोगों के पास 300 पीवी नहीं है प्लीज मत आना, जिन लोगों के पास 300 पीवी है आप आना, बिकॉज ये बिजनेस स्ट्रेटेजी है। जहां तक हम बिजनेस बोलते हैं, स्ट्रेटेजी होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, सेल्स होनी चाहिए। एंड इन ऑर्डर टू मेक दिस थिंग, मेरी कमिटमेंट सिर्फ सिंपल है, 300 पीवी करना है। हाउ इज दिस पॉसिबल? अपने लिए कंज्यूम करो, अपने वाइफ के लिए कंज्यूम करो, अपने पूरे फैमिली को दीजिए। इनफैक्ट 300 पीवी इज नथिंग, 300 पीवी से ज्यादा आप कर सकते हैं, और एक दिन आपका बोनस इतना ज्यादा भी आ सकता है कि आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं। दुगना तिगना नहीं, इट विल बी बाय मेनी फोल्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, माय एडवाइस फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, गो फॉर 300 पीवी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कैसे करना है, शायद इसी महीने में आप क्वालिफाइड करना है, वॉट एवर इट इज, यू नो, यू कैन क्वालिफाई योर सेल्फ 300 पीवी। फिर अपने जितने सारे टीम को है, इन लोगों को बताइए कि क्वालिफाइड करने के लिए बेनिफिट्स क्या होता है। हमेशा हमारी कहावत में ये होते हैं ना, डोंट लुक लेफ्ट, डोंट लुक राइट, स्ट्रेट लुक इनटू डीएक्सएन। सेम थिंग आल्सो, डोंट लुक लेफ्ट, डोंट लुक राइट, स्ट्रेट लुक इनटू योर क्वालिफिकेशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप अपनी क्वालिफिकेशन कम से कम स्टार एजेंट की, क्वालिफाइड स्टार एजेंट की करेंगे, और आपने जितने सारे नीचे के टीम भी सेम डुप्लीकेट करेंगे, आप अंदाज नहीं लगा सकते कि अपना बोनस जो है वो दुगना तिगना और भी हो सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन ऑर्डर फॉर यू टू ब्रिंग बैक द बेटर बोनस, इसमें स्ट्रेटेजी होता है, और सबसे सिंपल स्ट्रेटेजी ये है, यू नीड टू डू प्रोस्पेक्टिंग। ओके, यू कीप ऑन टॉकिंग 300 पीवी, यू बिलीव मी, कोई नया आदमी भी कोई ज्वाइन करेगा ना, वो डायरेक्टली 300 पीवी करेगा। यहां तक मैं मेरे लीडर्स को भी ये कहता हूं कि हमारे मार्केटिंग प्लान में 100 पीवी करो तो 6% मिलता है, 300 पीवी करो तो आपको 9% मिलता है। 100 पीवी के बारे में भूल जाइए, डायरेक्टली 300 पीवी के ऊपर जाइए और 9% के बारे में बात करें। एंड द सेम थिंग टू बी डुप्लीकेटेड, आई एम वेरी श्योर दे विल बी कम सक्सेसफुल। आई एम वेरी 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 श्योर इन लोगों का बोनस जो है वो बिल्कुल अंदाज नहीं लगा सकते हैं। एंड आई एम वेरी श्योर एक लेमैन भी जब इस तरह से वो काम करेगा ना, तो वो ये सोचेगा कि मैं अमीर डेफिनेटली बन सकता हूं, मेरे जितने भी सपने हैं मैं सपने को पूरे भी कर सकता हूं, मेरी गरीबी जो है वो गरीबी को भी हटा सकता हूं। और वाकई मेरे पास अभी बहुत ढेर सारे टेस्टिमोनीज है मलेशिया में, जो इन लोगों ने अपना पूरा लाइफ चेंज हो कर दिया है। मेरे बंगाली लोग, बांग्लादेशी लोग ने भी एंजॉय किया है, यानी कि दे आर बिकम अ गुड लीडर एंड दे आर अर्निंग वेरी गुड मनी, यू नो, नॉट क्वांटिटी, क्वालिटेटिव वे, यू नो। एंड हमारे पास नेपाली लोग भी है, जितने सारे लोग यहाँ मजदूर के तौर पर यहाँ काम करते, आज इन लोगों की जिंदगी बन गई है। दे आर कीप ऑन स्पॉन्सरिंग पीपल, दे आर कीप ऑन मेंटेनिंग 300 पीवी विदाउट फेल। और जिस तरह से इन लोगों ने डुप्लीकेट किया है, द न्यू पीपल ऑल्सो लर्निंग द सेम थिंग। सो माई डियर फ्रेंड्स, मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट होगी, मार्केटिंग के ऊपर आप, मार्केटिंग प्लान के ऊपर आप ध्यान जो दे रहे हो, अपनी कम से कम क्वालिफाइड स्टार एजेंट के ऊपर आप प्लीज अमल करो, प्लीज फोकस करें। एंड द सेम थिंग अपने टीम लोगों को भी ये सेम चीजें सिखाए। थैंक यू वेरी मच। बहुत खूब सर, बहुत खूब आपने जो बात बताई कि प्रोस्पेक्टिंग, यानी कि नए लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा बात करें, यानी प्रोडक्ट को खाएं और उसके फायदों के बारे में आप बताएं। जब नए लोग जुड़ेंगे आपके साथ और आपका एक टीम बनेगा, और ये व्यवसाय भी टीम वर्क का है, तो इसको साथ साथ करें, और साथ साथ अपने स्टार एजेंट क्वालिफाई, जो लोग स्टार एजेंट हैं वो क्वालिफिकेशन पे ध्यान दें। जैसे कि इंडिया में 1000 पीवी पर्सनल और 2000 पीवी इनके नीचे ग्रुप से, या फिर 3000 पर्सनल पीवी खुद का करें। आपका स्टार एजेंट अगर क्वालिफाई करेंगे 3000 पर्सनल पीवी, जैसे कि हमारे यहाँ पहली तारीख को ये 3500 पीवी का कंसेप्ट जो चल रहा है पिछले कॉम्पिटिशन, इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोगों ने क्वालिफाई किया और सारे सेल्स के रिकॉर्ड तोड़ दिए फर्स्ट डे के,
तो इससे बहुत फायदा होता है, और यही चीज मलेशिया के अंदर भी ऑलरेडी पहले से ही चल रही है, और दोस्तों इसका बेनिफिट भी बहुत ही बेहतरीन, जैसे आशीष सर ने बताया। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम व्यवसाय कर रहे हैं तो बिजनेस को बिजनेस के तरीके से करना है, पैसा कमाना है, तो डेफिनेटली उसके जो आपका उसका जो स्ट्रेटजी है, जो उसका कंपनसेशन प्लान है, उसको ध्यान से पढ़ के उसको अमल में लाना है, उसको आत्मसात करना है, उस पर काम करना है, ना राइट देखना है ना लेफ्ट देखना है, सीधा देखना है, यानी कि डिरेक्शन की तरफ देखना है। आपको पता है कि जो गैंडा जिसके आगे सींग होती है, रेनसोर्स बोलते हैं इसे हम, जब वो मारता है ना, अटैक करता है, तो आगे एक सींग होती है, फिर वो देखता नहीं है, चाहे अगर टैंक आ जाए उसके, वो टैंक पर टक्कर मार देगा बीच में, एक बार उसने टारगेट सेट कर लिया ना, तो रास्ते में जो भी आएगा उसे उड़ाता हुआ चले जाएगा वो। तो उसी तरीके से हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को और एक डेक सेलर्स को अपने टारगेट पे, यानी 5 साल का फोकस किया, 5 साल में मुझे ये अचीव करना है, तो उसको अचीव करने के लिए दिन रात काम करना है। बहुत ही बेहतरीन तरीके आशीष सर आपने बताया। सर आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त यहां दिया। चलते चलते सर शो में हमारे दर्शकों के लिए आपकी तरफ से एक संदेश। मेरा संदेश तो सिंपल ही होगा आप सब लोगों के लिए। आप लोग कभी भी परफेक्ट मोमेंट के बारे में वेट मत करना, डोंट वेट फॉर परफेक्ट मोमेंट। जो भी मोमेंट्स आप लोगों के पास है, जो भी समय आप लोगों के पास है, वो परफेक्ट बनाइए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और मेरी आप सब लोगों के लिए दुआएं हैं, शुभकामनाएं। आप लोग जिए हजारों साल, आप लोग बढ़ाए डीएक्शन का बिजनेस, बड़ा से बड़ा नाम रोशन करें आप लोग डीएक्शन इंडिया का, क्योंकि यू नो डीएक्शन मुझे लगता है इट्स अ वेरी वेरी गुड कंपनी, इज गिफ्टेड। ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसी साल के लिए आप सब लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन खुशी मिले, अच्छा सा सेहत मिले और दौलत भी मिले हर बार। यही मेरी दुआई होगी आप सब लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच विजय जी, थैंक यू वेरी मच डीएक्शन इंडिया फॉर इन्वाइटिंग मी टूडे, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर फॉर कमिंग इन दिस शो डीएक्शन कॉफी के साथ एक चर्चा, और मैं उम्मीद करूंगा आगे भी आपका समय इसी प्रकार हमें हमारे दर्शकों को मिलता रहेगा। दोस्तों ये हमारे साथ थे इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर मिस्टर आशीष जासानी जी, और जिन्होंने आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे सभी सवालों के जवाब बिना किसी झिझक के, बिना किसी लाग लपेट के दिए। और साथ साथ मैं अपने सभी YouTube व्यूअर्स और Facebook व्यूअर्स का धन्यवाद करना चाहूंगा, और साथ में मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें, जिससे कि कोई भी हमारा प्रोग्राम हो आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। Instagram पेज को आप फॉलो करना ना भूलें, साथ साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे सारे प्रोग्राम आपको आसानी से आपको मैसेजेस मिल जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों अब हम फिर मिलेंगे अगले शो में 16 तारीख को हर शनिवार 2 बजे डीएक्सएन कॉफी के साथ एक चर्चा। तब तक आप सभी लोग सुरक्षित रहें, सेफ रहें, और ध्यान रखें जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। गुड मॉर्निंग, सी ऑन द टॉप।